हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल टेक्निकलर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं एक नए अपडेट के बारे में। हरियाणा सरकार ने अभी एक न्यू पोर्टल स्टार्ट किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ग्राम दर्शन की कल्पना। सभी ग्रामीण वासी अपने गाँव की आवश्यकता अनुसार सुझाव या मांग या राज्य सरकार के सामने सीधे अपनी जो भी शिकायत है वो इस वेबसाइट के थ्रू रख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि शिकायतकर्ता जो है अपनी फैमिली आईडी से इस वेबसाइट पर लॉगिन हो पाएगा और जो जनप्रतिनिधि है वो अपने फ़ोन नंबर से लॉगिन हो पाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वेबसाइट किस तरीके से काम करेगी। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना होगा। जो यूआरएल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इस यूआरएल पे आपको जाना है और ये वाला URL मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके भी इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट पर चले जाएंगे, जो फर्स्ट पेज खुलेगा आपको इस तरीके से दिखाई देगा और यहाँ पे जो मार्क किया हुआ है मैंने, ये अपने गांव के हित में मांग सुझाव शिकायत देने के लिए यहाँ क्लिक करें। अगर आप कोई शिकायत या सुझाव या फिर कोई अपने गाँव की जो भी आपकी मांगे हैं वो यहाँ पे कोई भी आप यहां से करना चाहते हैं तो आप सीधा यहां पे क्लिक करेंगे। जब आप यहां इस पोर्शन पे क्लिक कर देंगे तो जो नेक्स्ट पेज रहेगा वो इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, यहां पे आपको क्या करना है, आपको अपना जिला, अपना खंड, ग्राम पंचायत जो है वो चूज कर लेना है और आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है इस पे, और आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है यहाँ पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे आपको अपनी फैमिली आईडी देनी होगी। जब आप यहाँ अपनी फैमिली आईडी दे देंगे और यहाँ जो ग्रीन फील्ड है ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है आगे बढ़ें, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ अपना नाम चुना यहाँ देख रहे हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पे चुनना होगा फैमिली आईडी देने के बाद में। और यहीं पे आप एक लिस्ट भी, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको एक लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी, जो भी आपकी जो फैमिली आईडी है उसमें जितने भी मेंबर है वो आपको इस तरीके से दिखेंगे इस ड्रॉप डाउन मेनू में। तो जिस भी मेंबर के नाम से आप शिकायत दर्ज करना चाहते हैं उस मेंबर के नाम को आप यहाँ से चुन सकते हैं। जब आप यह चुन लेंगे, नाम यहाँ से चुन लेंगे लिस्ट में से, तो OTP जो ये है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के तुरंत बाद एक जो है OTP आपके मोबाइल नंबर पर चला जाएगा, जो कि परिवार पहचान पत्र में आपने दिया है, और वही OTP आपको यहाँ पे डालना होगा। जब आप यहाँ पे OTP डाल देंगे तो आगे बढ़ें, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सीधा सीधा अच्छी बात जो ये है कि यहाँ हिंदी में यहाँ सब लिखा हुआ है और जो भी बंदा है वो आसानी से समझ पा सकता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है आगे बढ़ें। जब आप आगे बढ़ें पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे तीन चीज़ें दिखाई देंगी नीचे, विकास कार्य हेतु मांग या सुझाव के लिए क्लिक करिए, या फिर सरकारी योजना हेतु मांग सुझाव के लिए क्लिक करें, या फिर शिकायत दर्ज करने हेतु क्लिक करें। तो अगर आप शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस वाले पोर्शन पर, या फिर आपका कोई सरकारी सुझाव है या आपकी कोई मांग है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और इनमें से अगर आपको कोई भी नहीं करना है या फिर फॉर्म रीसेट करना है तो आप फॉर्म रीसेट करके यहाँ पे ये सब ब्लैंक हो जाएगा, उसके बाद में ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, मीन्स जनप्रतिनिधि लॉगिन है, वो हम कैसे कर पाएंगे। जब हम वेबसाइट के फर्स्ट पेज पर जाएंगे और जनप्रतिनिधि लॉगिन आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको जाना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, माउस ओवर करेंगे इस पर, तो एक ड्रॉप डाउन मेनू आपको यहाँ पे दिखेगा ऐसे, इस तरीके से। यहाँ पे देखो फर्स्ट में लिखा हुआ है सांसद, लोकसभा का जो सांसद है वो, विधायक, जिला परिषद मेंबर, पंचायत समिति मेंबर और सरपंच। आपको इनमें से जिस भी आप जैसे सरपंच हैं तो आप जैसे ही सरपंच को क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से लॉगिन के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है अपना और सेंड OTP करना है। उसके बाद आपके मोबाइल पे OTP सेंड हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ जो ग्राम पंचायत मेंबर या फिर जिला परिषद जो अभी मैंने लिस्ट में दिखाए थे उन्हीं बंदों के मोबाइल नंबर से यहाँ पे लॉगिन किया जा सकता है, जो आम बंदा है वो यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आप मेरे जो चैनल है इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए।
ठीक है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी जानकारियां जो जो समय समय पर मैं YouTube पर डालता रहता हूँ वो आप तक आसानी से पहुँचती रहें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ में। बाय बाय।